सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर एक अनारकली सूट को कन्वर्ट करने वाले हैं लहंगा और ब्लाउज़ में। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे कोई सूट्स पुराना हो जाता है उसे साइड में रख देते हैं। इस तरीके से आप उसे एक नई डिज़ाइन में कन्वर्ट करके पहन सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बनिए रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ आसान तरीका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। वीडियो के लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, जो कन्वर्ट करने वाले हैं, ये मेरा सूट है, एक नेट में कलीदार अनारकली सूट बोल लीजिए, ये इस टाइप का है। तो ये देखिए, ऐसे सूट को कैसे कन्वर्ट करें, इस टाइप के सूट को कैसे एक लहंगे में और एक ब्लाउज में कन्वर्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, इसकी जो आस्तीन की स्लीवलेस है ये, इसे खोल लेंगे। इसमें पहले पाइपिंग लगी हुई है, तो इनको मैं यहाँ से स्टिच को खोल दूंगा। और इसके शोल्डर भी है, यहाँ से भी मैं इसे अलग करने वाला हूँ, यहाँ से भी इसे अलग करूँगा। उसके बाद में यहाँ से इसकी चोली है, इसे भी अलग करेंगे। तो अलग नीचे का पार्ट अलग कर लेंगे और ऊपर का जो पार्ट है वो अलग कर लेंगे। तो यहाँ से इसे क्या है कि इसमें जो अस्तर लगा हुआ है पूरा अटैच है, तो यहाँ से मैं इसे कटिंग करने वाला हूँ। इसको यहीं से कटिंग करूँगा तो ये मेरा अलग हो जाएगा। अगर आपके यहाँ चोली लगी हुई है अलग से, तो उसे आप सिलाई को खोल लें। अब यहाँ सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं लहंगे की। पहले लहंगे का कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे कैसे मैंने कटिंग किया है, तो इसमें बेल्ट वेल्ट लगाने का थोड़ा सा काम आएगा, तो कमर वगैरह भी उसी तरह से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, 2 इंच लगा के देखें। वैसे ज़्यादातर सूट जो है लॉन्ग आते हैं, तो इसमें 2 इंच लगा के देखते हैं। तो ये एक बार यहाँ पर बताना चाहूँगा मेजरमेंट। तो इसका जो मेरे लहंगे का मेजरमेंट है, 38 इंच लंबाई है और कमर 30 इंची है, 30 इंच कमर है। और जो ब्लाउज होने वाला है उसका भी मेजरमेंट साथ में बता दूं, उसकी जो ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच और इसका चेस्ट है, राउंड चेस्ट 29.5 इंच और 26 इंची कमर है इसकी। स्लीवलेस है, 14 इंच इसके शोल्डर हैं। फ्रंट नेक 6.5 इंच रखने वाला हूँ और बैक नेक जो भी इसमें आ रहा है डीप ही रखने वाले हैं। तो ये तो इसका मेजरमेंट हो गया, और टैक्स पॉइंट इसका 7 इंच पे है। तो ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने का तरीका यही कि अब मुझे इसके 38 इंची लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले नाप के देखता हूँ। तो ये मेरी लंबाई करीबन 36 इंच के आसपास आ रही है। तो यहाँ पर मेरा 2 इंची बेल्ट कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 इंची का बेल्ट लगाऊंगा इसमें। तो ये 3 इंची मैंने ऊपर रखा है और यहाँ पर टोटल लेंथ ले ली, तो ये मेरा 38 इंची पूरा कम्प्लीटली बैठ रहा है। तो यहाँ पर 3 इंची तो बेल्ट लगाऊंगा और इसकी कमर 30 इंची है, तो 30+2 करके 32 इंची का मैं इसे तैयार बेल्ट के साथ लहंगे का बेल्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें तो ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इन चुनट्स में जब सिलाई करूँगा तो वो चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूंगा। तो ये तो हो गया अपने लहंगे की कटिंग। इस तरह से इस चोली को भी मैंने खोल के अलग कर लिया है। तो बैक पार्ट जो बैक नेक है इसका, सेम ऐसे ही रखने वाला हूँ, ठीक है। और ये अपना फ्रंट पार्ट है, इसको भी डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और इसी के ऊपर सेट कर लेते हैं दोनों, फ्रंट और बैक। ये देखिए, अब यहाँ अगर आप अपनी खुद की साइज़ का बना रहे हैं तो ऑलरेडी आपका ये जो आर्म होल वगैरह है वो ऑटोमेटिकली सही आ सकता है। अगर आप छोटी साइज़ बना रहे हैं, बड़ी साइज़ इसमें बनेगी नहीं आपसे, अगर आपका खुद का है और आप दूसरी बड़ी साइज़ बना रहे हैं वो बनेगी नहीं। छोटी साइज़ बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस हिसाब से मेजरमेंट लेना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर गला अपना रखना है करीबन 6.5 इंच, तो ये 7 इंची मेरा, 1/2 इंच यहाँ पर दबेगा तो मेरा गला भी जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरा स्लीवलेस है, तो यहाँ पर मैं इसमें जो है 6 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। बाकी का टोटल लेंथ जो ब्लाउज की आ रही है 12.5 इंच, वो ऑटोमेटिकली मेरी सही बैठ रही है। यहाँ पर ये 13 इंच आ रहा है, 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे मेरा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। अब इसका जो चेस्ट है 29.5 है, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 30 हो मान लीजिए तो 32, 30+2 कर लेंगे, 29.5 के 30 ले लेते हैं, तो 30 और 2 32 का चौथा हिस्सा, यहाँ पर 8 चौक 32, चौथा हिस्सा ये अपना 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर अपनी 26 इंच है, 26, तो ये अपना मार्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना फिटिंग का टाँका हो गया। और यहाँ पर शोल्डर देख लेते हैं, ये करीबन मेरा जो है
शोल्डर में थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, यहाँ से इसकी सीधी लाइन का मार्किंग करके निशान लगा लेंगे। तो स्लीवलेस बैक नेक डीप है तो इसका 6 इंच पे ले लेंगे, तो ये मेरा 6 इंच पे हो जाएगा निशान, यहाँ पर 6 इंच पे लगा लेंगे और ये सीधी निशान। यहाँ से इसमें थोड़ा सा 1/2 इंची 1/4 इंची आगे की तरफ और शेप लगा देंगे, तो इस तरह से ये यहाँ से आ जाएगा और ये कटिंग हो जाएगा, तो इस तरह से अपना मार्किंग लग जाएगा। तो यहाँ से इसे मैं कटिंग करूँगा, ये काफ़ी मोटा कपड़ा हो गया तो मैं इनको सिंगल सिंगल करके कटिंग कर लूँगा। तो बैक फ्रंट में भी आप थोड़ा सा यहाँ से आप थोड़ा सा आर्म होल की डीप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, तो ये डीप कटिंग भी हो जाएगी। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले लहंगे का काम करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसकी एक साइड खोलनी है और ये नेट और जो अस्तर इसमें लगा हुआ है इन दोनों को अटैच करना है, दोनों को बिल्कुल बराबर से ऐसे करके सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि जिप लगा लेंगे, तो थोड़ी दूर तक इनको पास में लगा लेते हैं सिलाई, यहाँ तक मैंने इनको अटैच किया है और ये वाला भी अटैच कर देता हूँ इस साइड में। ठीक है, दोनों अटैच हो गए और यहाँ से इनको पकड़ के यहाँ से इनको 4-5 इंच की जिप लगेगी अपनी, तो 4-5 इंच तक अपने को यहाँ दोनों को मिला लेना है और फिर यहाँ इसकी साइड लगा देनी है, यहाँ अंदर की साइड इसमें सिलाई लगा देते हैं तो दोनों पीस जो है एक हो जाएंगे। तो यहाँ से इसे मैंने पकड़ा और दोनों पल्ले को बराबर रखा, अंदर वाले का भी विशेष ध्यान रखें, अंदर वाला जो पल्ला है इसी के अंदर रहे और कच्चा भी न रहे, थोड़ी दूर तक साथ में चलेंगे फिर दोनों में अलग से सिलाई लग जाएगी। तो ये मैं पहले एक सिलाई मार देता हूँ और फिर अंदर अस्तर को पकड़ के एक सिलाई और लगा दूँगा। ये देखिए ये मेरा अस्तर है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के और थोड़ी दूर तक इसमें एक सिलाई और लगा देता हूँ। तो इस तरह से अपना जो साइड का काम भी हो गया और ये सिलाई भी लग गई। ठीक है, ये हो गया अपना साइड का काम। अब इसमें जिप अटैच करनी है, जिप मैंने ब्लू ब्लैक कलर इसी कलर के लिए, पिंक कलर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिप लगाने का तरीका मैं बार बार हमेशा बताता रहता हूँ, इसमें एक पैर की सिलाई लगाने वाले हैं, इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे इसको बराबर से जितना मार्जिन है उसी हिसाब से और जिप को खोल लेंगे और यहाँ से इसे अटैच करेंगे। एक पैर की सिलाई में जो है जिप अपने को ऐसे करना है, यहाँ तक लाया, जिप को वापस बंद किया, जिप वापस से बंद हो गई और यहाँ से घुमा के वापस ऐसे ले जाएंगे, तो इस तरह से अपनी जिप भी इसमें लग जाएगी। जिप लगने के बाद एक दफ़े इन दोनों पीस को एक साथ कर लेंगे, ये दोनों पीस अपने अलग अलग हैं तो इनको एक दफ़े साथ में अटैच कर लेंगे। अगर नाप के देख लें आपका ये बेल्ट, अगर ये चौड़ी ज़्यादा बढ़ रही हो तो ये कलियाँ हैं ना अपनी, ये जो कलियाँ इनमें आप छोटे छोटे दबाव और लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा ऑलरेडी इसमें इतना ही दबाव आया है जो मेरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ भी दबाव देने वाला नहीं हूँ। अगर फिर भी मुझे लगेगा थोड़ा बहुत तो इसी में एडजस्ट कर दूँगा। तो इसको दोनों फीस को जो है इस तरह से अटैच कर लेना है। अब इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट मैं इसका कॉन्ट्रास्ट मैच में कपड़ा ले रहा हूँ तो ये मैंने लिया है और बेल्ट करीबन 3 इंच अपने को तैयार चाहिए, तो मैं इसे करीबन 7 इंची के आसपास, आप 7 इंच तक चौड़ा लें और कमर अपनी है 30 इंची, तो 30 इंची तो फिक्स है, प्लस 2 करेंगे तो 32 इंची तैयार कमर रखने वाला हूँ। तो 16 इंच मैं निशान लगाऊँगा, ये 16 इंच मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, और ये 1 इंची मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगा, तो ये 1 इंची पे यहाँ पे मैं एक कुटका मार लेता हूँ, ये फिक्स निशान हो गया और ये इस पर 4 कुटके लगा लेंगे ऐसे करके, ये हो गया और एक ये सेंटर का हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके अपने को जो अपना लहंगा है इसके ऊपर निशान लगा लें बराबर से और नाप लें इसको, तो ये देखिए मेरी ये करीबन थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है,
तो इसमें एक तो 20 सेंटर का कुटका यहाँ पे लगा लेता हूँ और दो निशानी यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये मेरे चार निशान हो गए। इसमें बेल्ट लगा लेते हैं। तो बेल्ट लगाने का तरीका यही है कि मैं इस मैन फीस को नीचे रखूँगा और ये वाला फीस ऊपर रखूँगा। जो मेरा मैन फीस थोड़ा बहुत बढ़ेगा उसे इसी में मैं नमा दूँगा, कुटका मिला दूँगा। जो चार कुटके लगाए हैं वो बिल्कुल से बराबर इसमें मिला दूँगा। ये देखिए थोड़ा सा मेरा बड़ा आ रहा है नीचे वाला पार्ट, तो मैं ऊपर वाले फीस को खींच के रखूँगा और इसको थोड़ा सा लूज़ रखूँगा नीचे वाले फीस को इस तरह से। तो ये मेरा ऑटोमेटिक, ये मेरा जो बेल्ट है बाहर की तरफ पक्का करूँगा इसे। और ये देखिए ये यहाँ पर मेरा कुटका मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही करके आगे वाला जो निशान है वो भी मैं इसी से मिला दूंगा। थोड़ा नीचे वाले को लूज़ रखूँगा और ऊपर वाले जो बेल्ट कपड़ा है उसको खींच के रखूँगा। तो मेरा जो निशान ये देखिए ये भी मेरा आसानी से आ जाएगा, मिल जाएगा निशान। तो ऐसे ही करके पूरा जो है सिलाई मैं लगा लेता हूँ। इस तरह अपना बेल्ट अटैच हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसी को मोड़ के इस पर भी सिलाई लगा दी है साथ में यहाँ पर, और ऐसे ही करके इस पल्ले पे अब इसे पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 इंच अपने को बेल्ट तैयार चाहिए, तो इसमें जितना अपने को आधा इंची रखना है और इसे नाप लें। ये मेरा तैयार 3 इंची है कि नहीं, ज़रा सा और दबाव निकाल देता हूँ। तो ये मेरा 3 इंची बेल्ट तैयार है। तो अब मेरी लंबाई जो है टोटल लेंथ इसकी बैठ जाएगी। तो यहाँ से पक्का करेंगे, इसे स्टिच कर देते हैं। और नॉर्मली तरीके से अपने को सिलाई लगानी है, इसमें किसी पीस को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये बराबर से करके अपना जो बेल्ट है बराबर लग जाएगा ऐसे करके लास्ट तक। ऐसे ही करके पूरे बेल्ट को मैं पक्का कर देता हूँ। इस तरह से अपना जो बेल्ट है बिल्कुल से लग गया है। और ये देखिए ये 16 इंच मेरा 32 कमर आ रही है, 32 इंच मेरी कमर आ रही है, ठीक है। तो ये बेल्ट भी मेरा फिनिशिंग से लग गया है और ये मेरा एक लहंगा जो है बन के तैयार हो गया है। इसमें नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब बिल्कुल बराबर से है। तो ये तो हो गया इसका लहंगा अपना तैयार। अब इसकी चोली बनाते हैं, टॉप बनाते हैं। तो ये मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें करना क्या है, जो कटिंग किया था इसमें, यहाँ से मैंने इस पर चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाई है इस तरह से। इसे कच्ची सिलाई लगाकर मैंने पैक कर दिया है कि कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसे ही करके इसमें भी मैंने कच्ची सिलाई चारों तरफ लगा ली है, ठीक है। तो ये पीस ऐसे कैसे रहेगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें शोल्डर करने हैं अपने को। तो ये बैक है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से इसे मिलाएंगे और यहाँ से इसकी शोल्डर कर लेंगे पहले। तो ये दोनों शोल्डर हैं, यहाँ पे टांका मैं लगा लेता हूँ। ऐसे करके अपने जो है शोल्डर की सिलाई भी लग गई है। शोल्डर की सिलाई लगने के बाद इसका जो मार्जिन था मैंने बैक साइड करके यहाँ पर टांका मार दिया है, तो ये आगे की तरफ मार्जिन नहीं जाएगा और इसके चिपक के रहेगा। तो ये काम हो गया। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। स्लीवलेस अपना ये टॉप है तो यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, जो मैं पाइपिंग इसी की यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, सेम कलर की, वो भी अंदर वाली पाइपिंग लगाने वाला हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो टूल डोरी जो धागे वाली पाइपिंग होती है ये भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसमें पाइपिंग पट्टी लगाने वाला हूँ अंदर साइड की। तो वो किस तरह से लगानी है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे और नॉर्मली तरीके से आज इस पट्टी को खींच के रखेंगे, नॉर्मली तरीके से पट्टी को ज़रा सी खींच के रखेंगे इस तरह से। तो ये दोनों हिस्सों में मैं लगा लेता हूँ, लगा लेते हैं। जैसे अपनी पट्टी दोनों आर्मोल्स में लग चुकी है और साथ में मैंने पट्टी की तरफ मार्जिन करके यहाँ नोक की सिलाई और लगा दी है। इसे लब की सिलाई बोलते हैं। ये मार्जिन मेरा पट्टी की तरफ ही रखा है मैंने, ठीक है। अब इसे पक्का कर लेते हैं यहाँ से। तो इसे पक्का करने का तरीका यही कि अपने को वन सेंटीमीटर चौड़ी इतनी चौड़ी पट्टी रखनी है और इसे चारों तरफ सिलाई करके पक्का कर लेंगे। तो ये काम ऑलरेडी हो जाएगा। ये आराम से करें इस तरह से। ये पट्टी बाहर की तरफ लौटती हुई ना दिखे, अंदर की तरफ ही रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर बाहर की तरफ दिखेगी तो वो बद्दी दिखेगी। तो इसे इस तरह से नॉर्मली तरीके से आप लगा लें तो ये दोनों आर्म होल्स में ये पट्टी इस तरह से लग जाएगी अपनी। ये अपनी जो है
पट्टी भी लग चुकी है आर्मोल पे, ये देखिए फिनिशिंग से बिल्कुल बराबर से बाहर की तरफ नहीं दिख रही है, ठीक है, इस तरह से पट्टी लग चुकी है। अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर इसमें पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ, तो पट्टी भी मैं इसी कलर की यूज़ में लेने वाला हूँ, ये जो वर्क आ रहा है अपना तो उसी के पास में लगाने वाला हूँ। तो ये पट्टी लगाने का तरीका यही है कि इस वर्क के ऊपर ये पट्टी नहीं चढ़े और बिल्कुल बराबर से आ जाए अंदर की तरफ। ये कच्ची लगाएंगे, इस पर तुरपन का काम हो जाएगा या सिलाई, अगर सिलाई न दिखे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी लग जाएगी अपनी, और यहाँ पर इसे नोक की सिलाई लगाऊंगा जैसे आर्मोल में लगाई, और इसमें एक इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे इस तरह से, और इसे अंदर की तरफ पक्का कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये काम मैं एक दफ़े कर लेते हैं। इस तरह से अपनी जो पट्टी भी है लग चुकी है दोनों तरफ से। अब यहाँ देखिए इसकी एक साइड लगा लेते हैं, पहले एक साइड पैक कर लेते हैं, ये एक साइड मैंने फिक्स टांका लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी साइड में इसमें यहाँ तक टांका लगाएंगे थोड़ी दूर तक, उसके बाद यहाँ पर जिप लगाने वाले हैं। अगर जिप न लगाएं तो बच्चों में पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए एक साइड में इसमें जो अपनी लेफ्ट साइड है वहाँ पर इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने वाली जो तरीका है वो देख लेते हैं। सिंगल बूट का यूज़ किया है, सिंगल फुट होता है मशीन का, उसका यूज़ करके लगाने वाले हैं। तो इसमें इस तरह से आप लगाते हैं, यहाँ से इसे देखेंगे, ये जो इस साइज़ को इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ इसे अटैच करेंगे। ये हिडन वाली जिप है, आप नॉर्मली जिप लगाते हैं तो वो दूसरे तरीके से लगती है, तो ये हिडन वाली जिप है। तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से यहाँ तक इसको लगाएंगे, जिप बिल्कुल पास में से आनी चाहिए, इसमें गैप नहीं होता है बिल्कुल भी, तो आराम से और आसानी से लग जाएगी। ये यहाँ तक ले आए इसको लगा करके बिल्कुल से, ये सिंगल सिलाई होगी, ये फिक्स यहाँ पर पहले मैं मार्किंग कर ले जहाँ पर आप जिप लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये दूसरा हिस्सा पकड़ते हैं यहाँ से, और ये वाली चीज़ है इसको ऊपर से लगाएंगे, दूसरी वाली जो जिप है इसको ऊपर से लगाएंगे, यहाँ से इसे खोल देते हैं और यहाँ से इसे बिल्कुल वहीं से फिक्स करके पकड़ के टांका लगा देंगे, सेम जैसे इसको लगाया था वैसे ही इसको लगाना है। तो इस तरह से अपनी जिप भी लग जाएगी। मेरा मेजरमेंट भी मेरा ऑलरेडी बराबर है, कमर और चेस्ट दोनों बराबर है। इसे उल्टा करके देख लेते हैं, ये अपना टॉप हो गया, ये इसकी टसल्स वगैरह सब काम में आ जाएंगे ऐसे कैसे। ये बैक पार्ट हो गया, तो बैक पार्ट में डीप नेक भी अच्छा लगेगा, और ये फ्रंट पार्ट हो गया, तो ये फ्रंट पार्ट भी इसका अच्छा लग रहा है स्लीवलेस के साथ। तो इस तरह से अपना जो टॉप भी है बनके तैयार है। तो इस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं एक अनारकली सूट का, नेट वाले का एक टॉप और ब्लाउज, और जो इसे टॉप ब्लाउज कुछ भी बोल सकते हैं, और लहंगा कन्वर्ट करके आप नए रूप में पहन सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल फिर मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद, बाय बाय।